अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर हमने अपने अपार्टमेंट में वॉशिंग सिस्टम जो है वो, तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री कराने। ये देख सकते हैं डिफरेंट लोग आए हुए हैं वो लॉन्ड्री करें। तो मैं दिखा दूँ आपको कॉइन्स कैसे डलते हैं और कॉइन्स कहाँ से लेने होते हैं। और जो लॉन्ड्री का बना हुआ है बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठने की जगह बनी होती है क्योंकि वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग यहाँ पर शॉप बनी हुई हो, आप उसको रेंट कर दो और उसके बाद यहाँ पर आप उसको अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो और मशीन वगैरह इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आराम से। तो गाइस कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए व्लॉग के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो अभी आज का व्लॉग जो मैं जिस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली आज मैंने लॉन्ड्री करानी थी, कपड़े वगैरह धोने थे। जिस तरह पाकिस्तान में हम धोबी के पास जाते हैं या घर पे धोते हैं, तो यहाँ पर हमने अपने अपार्टमेंट में वॉशिंग सिस्टम जो है वो नहीं रखा हुआ। डिटर्जेंट मैंने ले लिया है, कपड़े मेरे ट्रंक में पड़े हुए थे, मैं कपड़े भी निकालने लगा हूँ यहाँ से। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री कराने। ये देख सकते हैं डिफरेंट लोग आए हुए वो लॉन्ड्री करा रहे, और ये वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो इनमें कॉइन्स डलते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कॉइन्स कैसे डलते हैं और कॉइन्स कहाँ से लेने होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मेस किया हुआ है मैंने अपने कार के ट्रंक में। मुझे सबसे पहले तो ये वॉशिंग आप चेंज ले सकते हैं, जैसे कॉइन्स जो क्वार्टर सेंस यहाँ पे यूज़ होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप $5 अप टू वॉशिंग के लगते हैं। आप अगर कपड़े वॉश करते हो तो आपने जस्ट यहाँ पे अपने पैसे पुट करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइन्स निकल आएंगे। तो मैंने $10 के क्वार्टर सेंट्स ले लिए क्योंकि अब तो $5 तो वहाँ लग जाएंगे और कुछ सेंट्स मुझे ड्रायर में डालने होंगे। तो ये मशीन्स होते हैं मोस्टली इनमें मैं नहीं धोता क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम होती है ये समटाइम्स टूटे हुए होते हैं इन पब्लिक प्लेसेस के, तो जिसकी वजह से कपड़े डैमेज हो सकते हैं। इनमें $3 अप टू लगते हैं, अगर आपने यहाँ पर अगर इन मशीन्स को यूज़ करना हो तो ये सस्ते में आपका हो जाता है। लेकिन ये होता है कि जिस समटाइम्स ये टूटा हुआ होता है, लेकिन ये वॉशिंग भी इसकी इतनी अच्छी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जहाँ पे मैं वॉश कराता हूँ, मैं यहाँ पे वॉश कराता हूँ, यहाँ पर आपको जो बेसिक साइकिल का है वो $5 लगते हैं। यहाँ पर प्राइस शो हो रही है और पर आप को प्राइस शो हो रही है $5 अप टू आपके एक साइकिल की। अगर आपने सुपर साइकिल लेना है तो $6 में यहाँ होते हैं। और यहाँ पे हम कॉइन्स इंसर्ट करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह करते हैं और किस तरह से ये ऑन होता है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। आप देख सकते हैं लोग कितने आए हुए हैं यहाँ पर, और भी लोग आए हुए वॉशिंग वगैरह करने के लिए। मशीन्स होते हैं इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के मशीन्स होते हैं, तो इनमें कपड़े डैमेज नहीं होते। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ और जिसकी वजह से कपड़े सेफ़ रहते हैं। समटाइम्स मैंने पहले जब मैं स्टार्ट में यहाँ आया था तब मैं स्टार्ट में वो दूसरा मशीन यूज़ करता था, लेकिन वहाँ हमें प्रॉब्लम होती थी समटाइम्स, हमारे जो कपड़े होते थे वो डैमेज हो जाते थे या फट जाते थे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं कपड़े इसमें डालने लगा हूँ, तो वन बाई वन कपड़े मैं यहाँ इसमें डालूंगा और उसके बाद जब टर्न ऑन करूँगा तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कॉइन्स डालने हैं और किस तरह से इस मशीन को स्टार्ट करना है। आप ये देख सकते हैं और जो लॉन्ड्री का बना हुआ है बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वॉशिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है। तो गाइस अब हम इसमें अप टू $5 के कॉइन्स इंजेक्ट करेंगे और ये आपको लाइक दिस क्वार्टर टू क्वार्टर करना पड़ता है और यहाँ पे आपको शो होता है
चला जाएगा जितना आप वेट करते हुए जाओगे। आप देख सकते हो $1 हो चुका है। $3 रहते हैं। 2.50 डॉलर्स रहते हैं। और इस तरह हमने अब तक इधर किए हैं 3.50 डॉलर्स। तो अब मज़ीद और ये हो चुका है आपका $5 पूरा। तो अब आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं डेलिकेट मिनट्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है कि 25 मिनट्स में ये धुल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्लॉथ्स अंदर चले गए और ये स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको विज़िट भी करा दूँ कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर आप अपने क्लॉथ्स वगैरह जब धुल के सारा फिनिश हो जाए तो आप सेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे एटीएम मशीन भी लगा हुआ है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कार्ड यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो दिस इज़ लाइक दिस, ये पूरा ओवरऑल मशीन है। इस तरफ भी ये सारे लगे हुए हैं। बहुत अच्छा बना हुआ होता है, फैसिलिटी अच्छी है। आप सेल्फ अपना आप धुलते हुए भी देख सकते हो कैसे वॉश हो रहा है। तो 21 मिनट्स रहते हैं अभी ये जब सही से वॉश होगा, तब तक मैं यहीं पर ही हूँ। तो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर ही, बैठने की जगह बनी हुई होती है। 22 मिनट्स में वेट करूँगा, उसके बाद वॉश हो जाएंगे तो 15-20 मिनट्स ड्राई होने में लग जाएंगे क्योंकि ड्रायर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग यहाँ पर एज ए बिज़नेस इसको मतलब आप रेंट कर सकते हो किसी ऐसी जगह को जो ऐसी शॉप बनी हुई हो, आप उसको रेंट कर लो और उसके बाद यहाँ पर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो और मशीन वगैरह इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आराम से आप घर बैठ के कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होते हैं, ये भी किसी की हो गई डेफिनेटली। तो एस्टिमेटेड यहाँ से आप डेली कमा सकते हो more than $2,000। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे, up to 100 to 200 पीपल तो यूज़ करते हैं डेली। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना होता होगा। अगर आप ख़ुद अपना सोप लेकर नहीं आते यहाँ पर या अपना डिटर्जेंट आप अपना नहीं ले आते तो आप यहाँ से ब्लीच सॉफ्टनर्स वगैरह यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर आपने जस्ट क्वाइन वगैरह इंसर्ट करना होता है। ये देख सकते हैं आप पूरा व्यू, तो आपने जस्ट यहाँ पर कॉइंस इंसर्ट करने और ये आपको निकल आएगा यहाँ से ही। इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं बाहर से इस वजह से लाता हूँ कि एक दफ़ा मैं यहाँ पे कोशिश कर चुका था लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं तब ये मशीन शायद डिवाइस ही ख़राब थी जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाया। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर है प्लान वगैरह लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि अपना ही लेकर आया करूं यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सम टाइम्स ये वर्क नहीं करता। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके अलावा ये है कि जी आप वॉश करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि डिवाइस रनिंग कंडीशन में है, वहाँ पे प्राइस वगैरह शो हो रहा है। सम टाइम्स प्राइस शो नहीं हो रहे क्योंकि डिवाइस आउट ऑफ सर्विस होता है और आप कॉइन इंसर्ट कर देते हो और वो आपका लॉक हो जाता है। तो ये आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पर। चले आपको आज ज़रा बाहर की ट्रैफिक भी दिखा दूँ मेन रोड की यहाँ पर। तो ये हमारे एरिया है,
ये लॉन्ड्री मैट की पार्किंग है। फाइनल दे रहे हैं हमारे कपड़े, 4 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से निकाल लूँगा, फिर ड्रायर में डालना है। टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, आप टीवी वगैरह भी देख सकते हो अगर आप बोर हो रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे वेट करते करते। यहाँ पर ये डिवाइसेस लगी हुई है जहाँ से आप क्वार्टर सेंट्स निकलवा सकते हैं डॉलर्स के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि ये जो सेंट्स होते हैं कॉइन्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम एक्सचेंज करा सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से चेंज ले सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी जेब में नहीं, तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड पड़ा है तो आप एटीएम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से पैसे आप कैश करा सकते हैं और यहाँ से चेंज लेकर आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर कोई ये चलाना चाहता हो तो इसके मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। आपको कोई काम करना नहीं होता, आपने जस्ट ये जगह ख़रीदनी है और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करके छोड़ देना है एक बार, और उसके बाद जो भी अर्निंग होती जाएगी वो यहाँ पर आती रहेगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस होगा अगर कोई करना चाहे तो। जिस तरह यहाँ पर ये हो गया, और दूसरी एक चीज़ मुझे तो मेरे कपड़े धुलने वाले हैं, तो यहाँ से मैं ट्रॉली लूँगा और ट्रॉली के थ्रू मैं कपड़े वहाँ से निकाल कर ड्रायर में डाल दूँगा। बिल्कुल साथ साथ होता है, लेकिन ट्रॉली फिर भी यूज़ करना होता है आपने, क्योंकि ड्रायर तक जाना ही होता है, तो ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसे ट्रॉली को अपने कार तक ले जा सकते हैं कपड़ों के समेत, और आप वहाँ पर अपने कपड़े अपने कार में जैसे अपने बॉक्स में डालने हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चले, मैं ये ट्रॉली लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे कपड़े धुल रहे हैं। तो चल, हमारे धुल चुके हैं और मैं अब यहाँ से निकालने लगा हूँ। हमारे धुल चुके हैं और अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ से पुश करके यहाँ ट्रॉली में डाल सकते हैं और उसके बाद ड्रायर में ले जा सकते हैं यहाँ से इजीली। ये ड्रायर लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इस कंपेयर टू वॉशिंग, आप ड्रायर के जो प्राइसेस है वो बहुत ही कम है, कि आप 25 सेंट्स का 8 मिनट के लिए आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप जितना टाइम अपनी मर्ज़ी से ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। मैं 24 मिनट्स यूज़ करता हूँ, जिसके 75 सेंट्स लगते हैं, लेस देन $1। बस सिर्फ वॉशिंग थोड़ी सी महंगी है, जो $5 to $6 आप क्या लग जाता है एक बारी में। जिस तरह आपने वॉशर यूज़ किया था आप ड्रायर को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइस लिखी आ रही है। आप मैं यूजफुली 3 क्वार्टर्स यहाँ पे डेलीगेट आप कर दें, तो ये देखें ड्रायर ये स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही ये कपड़े आपके सूख जाते हैं मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो ड्रायर्स में मुझे कोई इशू अब तक नहीं नज़र आया कि ड्रायर्स कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि कभी ड्रायर्स के साथ कोई इशू। हाँ, समटाइम्स इस तरह के ड्रायर्स लगे हुए होते हैं तो जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जो ये ड्रायर्स लगे होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं इनकी क्वालिटी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये हमारे कपड़े ड्राई हो रहे हैं, अब आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? तो गाइस, कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब मैं वापस घर जाने लगा हूँ। तो होप सो आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह बिज़नेस के हवाले से भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता दिए। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।